जय बछरा टोल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से मिल गए हैं धोबी नए ब्लॉग के साथ। और आज वापस आप विचार कर रहे होंगे ये एक और एक टी शर्ट पहन के कितने ब्लॉग बनाएगा। बट ये 2 ही दिन के जो भी आप लोग देख रहे थे ब्लॉग हमारे, और 2 दिन में ही बहुत सारे शूट हुए हैं। और आज का ब्लॉग भी इसलिए क्योंकि आज हमें यहाँ काम है थोड़ा बहुत खेत में, तो मुझे लगा कि दूसरे कपड़े बिगाड़ने से अच्छा है ये वाली टी शर्ट पहन के ये सारा काम कर लूँ। तो आज आए हैं इन पौधों को, जो पौधे तो नहीं कैसे, ये जो घास फूस है उनको पानी पिलाने हैं। तो देखो वहाँ से पानी आ रहा है, पानी स्टार्ट हो चुका है। तो आज इसको पानी तर करना है, हिंदी में पानी तर कहते हो और गुजराती में पानी वारना, मीन्स की इसको पानी पिलाना होता है। तब आज बैठे और हार्दिक भाई भी अपना जो काम काज कुछ निपटाने गए हैं, तो अब आए गए वो। जब तब तक मैंने थोड़ा स्टार्टअप वार्टअप कर दिया, तो एंजॉय कीजिए थोड़ा। और वैसे भी फ्रेंड्स आज मुर्शी जी के जो मुर्शा जी की जो वाड़ी है उनके यहाँ जो सारे कोकोनट ट्रीज है ना उनके थोड़ा साफ सफाई करना है। और देखो यहाँ पानी भी पहुँच गया है, यहाँ से धीरे 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 जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। और वो जो पहला जो है ना पूरा सारा भाग वो पूरा भर जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले विभाग में पानी स्टार्ट कर देंगे। अभी वहाँ पूरा भाग वो भरने जा रहा है। अभी 2 विभाग के पानी का बंटवारा हो चुका है और तीसरा विभाग अभी पानी भर रहा है। और हमारा हार्दिक भाई यहाँ बैठे हैं अपने मोबाइल में मचोड़ते हुए मोबाइल को। और दूसरा बहुत कुछ काम है बाकी, तो अभी देखिए पानी का बहाव देखिए, यहाँ पानी भाई आ रहा है कैसे। इसे सिनेमेटिक लेना चाहिए, चलो कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे थे हमारे सिनेमेटिक शॉट्स, और यहाँ अपने मोबाइल में ये लोग रील्स देते हुए, और हम यहाँ कूदते कूदते जाते हुए। तो फ्रेंड्स हमारा पानी तो अभी तक चल रहा है देखो, और वहाँ अपने मोसाजी ट्रैक्टर चला रहा है। बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरे में क्लियर नहीं दिखेगा। तो सामने वाले खेत में अपने मोसाजी ट्रैक्टर चला रहे है, चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं क्या हाल चाल है, और उसे तोड़ के फल खाते हैं। और थोड़ी देर बाद स्प्लेंडर में और स्कूटी में एक मस्त 30 फीट करने वाले हैं वो आएगी। अभी गांव में लेने गए हैं मेरे मौसा जी के पिताजी, जो भी कहो उनको क्या कहते हैं पता नहीं, अभी तो ये सेतुड़े खा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ तो सारे एक जो एक औजार है हमारे मौसा जी के पास, देखो ऑल बोर्ड औजार, हवा भरने का मशीन, वेल्डिंग मशीन, वो सब कुछ। वहाँ एक जो होता है सर्विस करने का वो भी पड़ा है। और वहाँ दूर देखो अपना टॉमी कुत्ता बैठा है, टॉमी वो भी सो रहा है तो उसको सोने देते हैं, बाकी तो ईश्वर जाते हैं वो लोजार है। और यहाँ है हम हमारे मौसा जी की तमन्ना कोड़ी, वो भी कब से देख रही है ये क्या कैमरा जैसा लेके जा रहा है। और वहां बैठी है दूर हमारी गंगा, यहाँ मौसा जी के वो औजार और 2 ट्रैक्टर और भी, और वहाँ टोटल 3 ट्रैक्टर, और वहां एक पीछे बैलगाड़ी भी पड़ी हुई है दूसरा। तो ठीक इतने व्हीकल का करते क्या हो तुम लोग, करते क्या हो एक बार बोलो, चलाने का चलाने का। और फ्रेंड्स आप ये ब्लॉग रामनवमी के दिन देख रहे होंगे, तो सबसे पहले सबको हैप्पी रामनवमी, भगवान राम को आपके परिवार को और आपको हमेशा खुश रखे। और वैसे तो देखे तो आज तो हमारा ब्लॉग तो रामनवमी की पूर्व तैयारी का ही है, क्योंकि हमारे जो मौसा जी है उनके 2 बड़े बड़े ट्रैक्टर है, तो उनके ट्रैक्टर रामनवमी की रैली में जाने वाले है यहाँ पाता गाँव में। तो आज ट्रैक्टरों को वॉश भी करना है, तो दिखा रहा हूँ कौन कौन से ट्रैक्टर ले जाएंगे। एक तो जो वहाँ सामने जो खेत में चल रहा है ना आयशर का बड़ा, वो ले जाएंगे। और एक यहाँ पावर ट्रैक का पड़ा हुआ है ब्लू कलर का,
जो ब्लू कलर का ट्रैक्टर पड़ा हुआ है ना पावर ट्रैक का, इन दोनों को वॉश करना है। और ये रहा वॉश पंप, तो इसको वॉश कर डालेंगे यहाँ से पानी लेके, तो डायरेक्ट वॉशिंग के टाइम पे मिलते हैं। अभी धोने तो बैठे, पर यहाँ एक बहुत बड़ा झोल हो चुका है, ये नड़ी कट गई और ये जो इसका लेवर है चापड़ा जो कहते हैं पैकिंग, वो सड़ चुका है, तो इसको यहाँ चेंज करेंगे और इसको जो है जल्दी से काट के तोड़ेंगे और इसको जल्दी से वॉश भी करना है ना। A few minutes later. फाइनली फ्रेंड्स, अब तीसरा ट्रैक्टर धुल रहा है। ओ वहाँ देखो दादाजी, जय श्री राम, भगवा रंग दिखाते हुए। तो वो हमें भगवा दिखाते हुए अब यहाँ तीसरा ट्रैक्टर धुल रहा है, और ऐसे भगवे को हम कल लहराने वाले हैं। मीन्स कि आज जो आप वीडियो देख रहे हो तब हम भगवा लहरा रहे होंगे। देखो जय श्री राम, यहाँ दादाजी ने झंडा अपनी स्कूटी में लगाया, और अब ये लास्ट वाला ट्रैक्टर, उसके बाद धुलने के बाद हम अपनी बाइकें धोएंगे। चलो अब जल्दी से इसको धो डालते हैं। One hour later. तो फ्रेंड्स फाइनली सारे व्हीकल लाइक अपनी बाइक, और ये बाइक तो नहीं धोई, वो विजय भाई की साइकिल, और ये ट्रैक्टर की ट्रॉली सब कुछ धो डाला। देखो ट्रॉली को भी धोया है और ट्रैक्टर को भी पूरा धो डाला। अभी अंधेरा हो चुका है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बाकी वहाँ खेत में एक ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, थक गए हैं। और बाद में हमारे जो हार्दिक भाई हैं उनके दादाजी की स्कूटी भी थोड़ा फोवारा मार डाला, फोवारा इसमें। तो फ्रेंड्स सारे ट्रैक्टर्स और बाइकें धो धो के अपनी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, एकदम पूरे गीले गीले हो चुके हैं। तो अभी हम नहा धो लेंगे, और आज के व्लॉग तो मैं यहाँ एंड करता हूँ, और फिर से सब लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो अब रामनवमी के दिन देख रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में।